दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय RSM ट्रेडिंग कंपनी राजगढ़। यातायात पुलिस राजगढ़ द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत न्यू बस स्टैंड के समीप वाहन चालकों को वाहन अधिनियम के बारे में जागरूक किया गया। ट्रैफिक पुलिस प्रभारी वेद प्रकाश शर्मा ने वाहन चालकों को नए वाहन अधिनियम की अलग अलग धाराओं व उसके जुर्माने के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि दो पहिया वाहन बिना हेलमेट व चार पहिया वाहन बिना बेल्ट के कभी न चलाएं। कार्यक्रम के दौरान ड्रग फ्री ऐप के बारे में भी जागरूक किया तथा कभी भी किसी भी प्रकार के नशे या शराब पीकर गाड़ी न चलाने की हिदायत दी। वेद प्रकाश शर्मा ने कहा कि ये हम सभी का कर्तव्य है कि वाहन नियमों की जानकारी ही नहीं बल्कि उनका पालन भी करें। यदि सभी नियमों का पालन करेंगे तो दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। हमारा जो मेन फोकस जो ये लोगों को जागरूक करने का है, यातायात के नियमों के बारे में जागरूक करने का है कि अपना वाहन चलाते समय चाहे दो पहिया वाहन है उस पर हेलमेट का प्रयोग करें, चार पहिया वाहन है अपना सीट बेल्ट का प्रयोग करें और कोई भी व्यक्ति विशेष जो है नशे की हालत में अपना वाहन ना चलाए, क्योंकि जुर्माने की राशि भरकम हो चुकी है। एक आम आदमी के लिए ये राशि का भुगतान करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम सबको यही पंपलेंट के माध्यम से अपनी कविता के माध्यम से सबको जागरूक कर रहे हैं कि क्या यातायात का बखूबी से पालन करें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए राजगढ़ से नितिन वालियाट के साथ नितिन भारद्वाज की रिपोर्ट।